हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है। आरबी लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पति के सभी केसों का होगा अंत इस शपथ पत्र से। बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी केस का अंत करवा सकते हो, चाहे भाई आईपीसी के सेक्शन 498 का हो, डीबी का हो या सीआरपीसी सेक्शन 125 का हो। इसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा हर केस के अंदर, जिसे आप अपने पक्ष में करवा सकते हैं और केस जीत सकते हैं। ये एफिडेविट शपथ पत्र कौन सा होगा, किस तरीके से देना होगा, क्या बातें आपको लिखनी होंगी, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपने कोर्ट में देखा होगा या हो सकता है आपके ऊपर झूठा मुकदमा भी हुआ हो और कई बार आपके पास सबूत भी नहीं होते। ऐसे बहुत से मामले देखने को मिलते हैं जिसके अंदर पति के ऊपर झूठे मुकदमे तो हो जाते हैं और पति के पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता जिसे वो कोर्ट के अंदर अपनी बात रख सके कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, और ना ही कोई सबूत पत्नी के पास होता है। बहुत सारे मामले तो कोर्ट में ऐसे देखने को मिलते हैं कि पत्नी के पास कोई सबूत भी नहीं होता, फिर भी हक में फैसला पत्नी के ही होता है और पति को सजा हो जाती है, चाहे भाई 498A का केस हो, डीबी का केस हो या फिर 125 सीआरपीसी का केस हो। अगर पति के पास कोई सबूत नहीं है और वो अपनी बात को कोर्ट के अंदर सिंपली तरीके से रखते हैं तो पति की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जाता। पत्नी अगर झूठा मुकदमा भी करती है तो कोर्ट में पत्नी की बातों पर विश्वास कर लिया जाता है। अगर पति की बातों पर कोर्ट के द्वारा विश्वास नहीं किया जाता तो वो कोर्ट में एक शपथ पत्र दे जिसमें ये लिखे कि संबंधित मामला मेरे ऊपर दर्ज किया गया है, इस मामले में मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं और अगर पत्नी सबूतों के आधार पर साबित करती है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा ये मुकदमा मेरे ऊपर झूठा किया गया है और अभी मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मैं कोर्ट से यह प्रार्थना करता हूँ। इस तरीके से आपको शपथ पत्र लिखना होगा और नोटरी से रजिस्टर करवा कर कोर्ट में देना होगा। यही एक सबूत पत्र पक्ष के लिए बन जाएगा कि पत्नी ने झूठा मुकदमा किया है, क्योंकि पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत मिलते हैं तो कोर्ट की तरफ से जो भी सजा दी जाएगी मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पत्नी के पास कोई भी सबूत ना होने के कारण मुकदमा खत्म हो जाएगा और आप जल्द से जल्द केस से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना कि शपथ पत्र से पति के सभी केसों का होगा अंत। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।